तेरी खाली झोली जाएगी। मत बेबस होकर हाथ पसार, तेरी खाली झोली जाएगी और यूं ही बीच दरिंदों के तेरी बोली बोली जाएगी। लड़ना पड़ेगा, केवल संविधान पे कविता के खुद ही तुमको लड़ना है, न कोई बचाने आएगा और बिना लड़े सुन मेरे लाडले मिट्टी में मिल जाएगा। बिना लड़े सुन मेरे लाडले मिट्टी में मिल जाएगा और एकलव्य का तीर धनुष भी न काम तुम्हारे आएगा, अरे पाया है सो खो जाएगा फिर रोकर पछताएगा। कर्ज चुका दो बाबा का, अब कर्ज चुका दो बाबा का, ये याद दिलाने आया हूं और खतरे में संविधान तुम्हारा तुम्हें बताने आया हूं, खतरे में संविधान तुम्हारा तुम्हें बताने आया हूं। और गद्दारी जहां होती है, मैं दोनों पहलुओं पे चर्चा करूंगा कि दोनों पक्ष हैं, आशा है आपके दिलों तक ये बात पहुंचेगी कि कौम के हक की बात करे जो, कौम के हक की बात करे जो, नेता उसे बना लो तुम और मांगे साथ तुम्हारा जब भी अपना खून बहा दो तुम। लेकिन दूसरा पहलू भी है जो कि बाबा साहब का जो स्वप्न जो साकार नहीं हुआ वो ये पहलू है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि कौम के हक की बात करे जो, अरे नेता उसे बना लो तुम और मांगे साथ तुम्हारा जब भी अपना खून बहा दो तुम, और दल्लालों को जूते मारो, अरे दल्लालों को जूते मारो तड़ी पार भिजवा दो तुम, और कौम के गद्दारों को यारो बीच सड़क के दफना दो, बीच सड़क के दफना दो। और बाबा बाबा के बेटे जो सोए, बाबा के बेटे जो सोए उन्हें जगाने आया हूं, अरे खतरे में संविधान तुम्हारा ये बतलाने आया हूं। और जिस वक्त पे जब संविधान की प्रति जलाई गई उस टाइम पे जो कविता मैंने लिखी थी, थोड़ा सा ही समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, वो कविता आपके सामने रख रहा हूं। अरे देशद्रोही देश छोड़ दो, देशद्रोही देश छोड़ दो आग लगाने वालों तुम, अरे भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम, भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम, देशद्रोही देश छोड़ दो आग लगाने वालों तुम, अरे भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम, भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम। इनको क्या पता ये संविधान कैसे मिला, लीजिए। अरे कितने वीर चढ़े फांसी पे देशद्रोही क्या जाने, कितनी बहने हो गई बेवा वो निर्मोही क्या जाने, उद्धम सिंह जो मिटे आन पर, अरे उद्धम सिंह जो मिटे आन पर कायर है वो क्या जाने, और बच्चे बूढ़े औरत खप गए डायर है वो क्या जाने, अरे बच्चे बूढ़े औरत खप गए डायर है वो क्या जाने, कुर्बानी माँ के लालों की, अरे कुर्बानी। देखिए ये तो इतिहास है जो हमें पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में हमारी क्रांति का तो जिक्र ही नहीं होता, आदिवासी समाज का जिक्र नहीं होता, ना ही दलित समाज का कहीं जिक्र होता विशेष रूप से। कौन बताता है कि माता दीन भी कोई इस देश में हुए हैं, नहीं बताते। जिनकी क्रांति का जो आगाज हुआ तो आप लोग जानते हैं कि क्रांति को 1857 की क्रांति को जो आगाज करने वाले व्यक्तित्व थे, जो पहले फांसी पर चढ़ने वाले लोगों की कतार में सबसे पहले व्यक्ति थे, वो माता दीन भंगी थे, लेकिन कौन याद करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे संविधान की कर लो पूजा, मानवता का ग्रंथ यह है, जाति धर्म के भेदभाव से पूर्णतः सब छंद यह है, न्याय समता बंधुता की जगती ज्योति अखंड यह है, शोषित दलित महिलाओं की खातिर है मकरंद यह है, अरे शोषित दलित महिलाओं की खातिर है मकरंद यह है, कुकृतों से मां बहनों की लाज मिटाने वालों तुम, अरे भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम, भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम। और जो ये मैं बोल रहा हूं ये संविधान की बदौलत ही बोल रहा हूं, अगर संविधान न होता तो आप भी ना होते, मैं भी नहीं होता, तो ये सोचने की बात है क्या हो जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो। अरे नहीं बचा,
विशेष और चाहूंगा आपका एक एक शब्द पे, नहीं बचा संविधान अगर तुम मिट्टी में मिल जाओगे, फिर से तर्क गुलामी लेकर काफिर लेकर आओगे, लुट जाएगा वतन अरे लुट जाएगी कौम मेरी, मंदिर घंटाल बजाओगे, माँ बहनों की इज्जत तक भी नहीं बचाने पाओगे, अरे माँ बहनों की इज्जत तक भी नहीं बचाने पाओगे, चमन मेरा बर्बाद करो ना ढोंग रचाने वालों तुम, अरे भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम। अंतिम बंद है, और ये संविधान वैसे नहीं मिला, जीवन कैसे मिला वो बता रहा हूं। तुझको ये संविधान मिला है बाबा की कुर्बानी से, अरे तुझको ये संविधान मिला है बाबा की कुर्बानी से, जीवन जंग तूफानी के नैनों के बहते पानी से, संविधान है रक्षक तेरा दुष्टों की मनमानी से, शर्म और धर्म ग्रंथ जो भरे पड़े हैं निर्दय ढोंग शैतानी से, शर्म करो शमशेर जरा अरे शर्म करो शमशेर जरा बाबा का खाने वालों तुम, अरे संविधान को अरे भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम, देशद्रोही देश छोड़ दो आग लगाने वालों तुम, अरे भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम, भारत माँ के सीने पे संविधान जलाने वालों तुम। धन्यवाद दोस्तों, और उस संविधान की रक्षा आप और हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। जय भीम, जय भीम।